हम सभी इंटर्न सबसे फर्स्ट एक्सपोजर होते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। सर हमें सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है हॉस्पिटल से, हम 12 आवर्स 24 आवर्स 32 आवर्स तक की शिफ्ट का काम करते हैं, बट हमारे स्टाइपेंड बहुत कम है, 10,000 रुपीज़। थैंक यू सर फॉर कमिंग हियर एंड गिव योर प्रीशियस टाइम टू अस। सर मेरा मतलब सजेशन ये है, सर हमारे कॉलेज में 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटी हमें मिलती नहीं है, और जहाँ तक ऐसे देखने की बात है तो हम लोग को वीक में 7 डेज तक के हम लोगों की जो टाइमिंग जो होती है वो सर अप टू 10 PM तक होती है। और सर जो बॉयज़ जो हैं, ठीक है सर, उनको भी अगर पढ़ना अगर होता है या फिर गर्ल्स की जो होती हैं, तो हम लोग को सर कमाल की अगर स्टडीज़ करनी होती तो हम लोग को इसके लिए प्रॉपर जगह नहीं मिल पाती है। सो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि गर्ल्स और बॉयज़ सभी हॉस्टल्स में सर एक प्राइवेट लाइब्रेरी सर फैसिलिटी अवेलेबल हो, और 24/7 अगर एग्जाम्स के टाइम में भी सर हमें वो फैसिलिटी मिले हो जिसमें कुछ हम लोग सुधार कर सकें, पहल कर सकें। ये केवल इंटरेक्टिव सेशन है, ये आप लोग का सेशन है, हम लोग को कुछ नहीं बोलना। कभी कभी मैसेज और फोन आते हैं, मुझे लगता है कम आते हैं, और आने चाहिए। अगर कोई बात है तो मिले ना मिले हम लोग को मौका मिल जाता है, बार बार हम लोग भी नहीं आ पाते। तो कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ हों उसको कभी भी शिकायत के बतौर मत देखें, एक सजेशन के बतौर देखें, सुझाव के बतौर देखें, ताकि मिल के हम लोग बेटर कर सकें। तो कभी हेजिटेट मत करिएगा, कभी भी कोई बात हो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, फ़ोन लगाना हो फ़ोन लगा लीजिए, आजकल फ़ोन उठता नहीं है, टेक्स्ट मैसेज पक्का है पहुंच जाएगा। तो नाम नंबर दे दीजिएगा, आई कॉल देगा, आप लोग बताएं कोई भी बात हो, टीचिंग कंडीशंस कैसे हैं, फैकल्टी कंडीशंस कैसे हैं, हॉस्टल के कंडीशंस। Yeah, yeah.